जो पक्ष के MLA हैं अगर उनका आप पूछोगे तो उनका हाल हमारे से भी 50 गुना ज़्यादा माड़ा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सरकार के तो वो बोल नहीं पाते, पर वो बोल नहीं पाते जो हम बोल सकते। देखो जो ग्राम दर्शन पे जो इन्होंने लिखा है कि कहो मन की बात, उसमें मैंने 300 बार मन की बात कही, उसमें से 87 मन की बातें इन्होंने की हैं लेकिन मौके पे काम नहीं करे, उसका लिखित में जवाब दे दिया कि हम ये आपके कर रहे हैं लेकिन करा कोई नहीं अभी तक, एक साल हो गया। और यहाँ से CO जो है ना बार बार वीडियो को चिट्ठी लिख रहा है कि भाई ये जो पोर्टल के ऊपर जो काम विधायक ने भेजे थे हलकर दौर के वो करो, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रहती, वो करते ही कहते जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, कहीं भी एक जगह भी काम शुरू नहीं हुआ। तो देखो ऐसा है कि पहले अपने विज साहब वहाँ से आए थे, वो भी मिट्टी मिट्टी डाल के इन्होंने थोड़ी सी ठीक कर दी थी, अब खुद खट्टर साहब आए लेकिन कुछ भी नहीं होना और ना हुआ। आपको पता होगा कि पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे जहाँ कहीं वो जाया करते थे उस रास्ते की सड़क, उस रास्ते में जो भी सड़क पड़ती है किसी के अगर चाय पीने में चले गए ना उसके रास्ते में घर तक कोई सड़क अगर रास्ते में पड़ गई तो वो रातों रात वो सड़क ठीक हो जाया करती थी, रातों रात नई सड़क बन जाया करती थी। मेरे को याद है एक बार चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, मेरे स्कूल के उद्घाटन पर उन्होंने आना था और वहाँ सड़क नहीं थी, पता नहीं रातों रात कहाँ से तो मिट्टी आ गई, कहाँ से रोड आ गया, कहाँ से तारकोल आ गया, कहाँ से बजरी आ गई, सवेरे सड़क हमें बनी पाई। मुख्यमंत्री का इतना दबाव होता था और अब तो मुख्यमंत्री ऐसा क्या यहाँ के प्रशासन को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री जी ने आना है इस रास्ते से आना है, सड़क को कर नहीं सकते थे, अगर चाहते तो रातों रात कर देते लेकिन कुछ भी नहीं करते। देखिए जो नए नए सरपंच बने हैं अब की बार वो सारे लगभग नौजवान साथी बने हैं, उनको अपने गांव में कुछ करने का जज्बा है उनके अंदर, वो चाहते हैं कि मेरे गांव में कोई काम हो और मेरा नाम होए, करप्शन वाली कोई बात नहीं उनके द्वारा, लेकिन उनका जो ये 20 लाख से घटा करके 2 लाख कर दिया ये गलत है, इसका मैं भी विरोध करता हूँ और विरोध करना भी चाहिए। अब 2 लाख में क्या होगा, 2 लाख में विकास गांव का विकास नहीं हो सकता, गांव का विकास का रेट ठप हो चुका है। अब पैसे जो हैं मैं आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण दूँ, 5 करोड़ रुपया जो मेरे खाते का मुझे मिला था उसमें से पहली किस्त मेरे को 4 करोड़ और 29 लाख के करीब मिले थे, वो लगभग 2.5-3 साल से एक्शन पंचायती राज, पहले पंचायतों में पड़े रहे फिर एक्शन पंचायती राज में पड़े हैं, अब एक एक्शन है पंचायती राज का, वो कहाँ तो दौर का काम देखेगा, कहाँ वो यमुनानगर का देखेगा, कहाँ उस डौरे का देखेगा, कहाँ वो जगाधरी का देखेगा, कल आदमी क्या कर सकता है। उसने अभी तक जो है ना पूरे उसके टेंडर भी नहीं लगा पाया, वो पैसे ऐसे कैसे पड़े हैं, कुछ पैसे तो उसमें जो हमारे पास आए थे जैसे कि खेत तो सड़क योजना के थे वो कई जगह से तो वापस भी हो गए, और इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट प्लान के वो भी काम नहीं कर पाते क्योंकि टेंडर कहाँ किस किस का करेंगे, कितने ठेकेदार हैं यहाँ, ठेकेदारों की कमी है। अगर सीधे पंचायतों को पैसे दिए जाए सरपंचों को तो वो ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे, अच्छा विकास होगा, कम पैसे में ज्यादा काम करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।